Hello, welcome back in the new video. This video also regarding share market and how we use TradingView application and also how we set trend line and also supply demand. What is supply demand? So, जो मेरी टीम है मैं उसके लिए ये वीडियो सजेस्ट करूँगा और जो लोग TradingView application यूज़ करते हैं उनको भी ये फ़ायदा करेगी वीडियो. सो जो कुछ मैंने सीखा है TradingView से अपने हिसाब से जो भी मैंने नॉलेज गेन करी है सो वो मैं शेयर करूँगा. शायद वो आपके काम आए क्योंकि वो मेरे काम आती है. तो सिंपल से फंडा है, मैं उसको किस तरीके से फॉलो करता हूँ वो मैं आपको भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊँगा, चार्ट पे दिखाऊँगा. होपफुली कि आपको वो काम आए. तो चलते हैं सीधे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर. सो जिन लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि TradingView कैसे ओपन करते हैं. सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा हुआ है. जिन्होंने नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाके देख सकते हैं. सो, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट जो है ओपन कर रखा है. बेसिकली क्रूड में मैं काम करता हूँ तो मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है. मैं ऑलवेज़ 1 आवर के चार्ट पे काम करता हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग ग्राफ पे सपोर्ट रजिस्टेंस दिख जाते हैं. ठीक है, तो वॉट इज़ सपोर्ट और वॉट इज़ रजिस्टेंस? देखिए, सपोर्ट से हम बाई करते हैं, रजिस्टेंस से हम सेल करते हैं. मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो बहुत नॉर्मल होती हैं ताकि आप इजी वे में उसको आप समझ सकें. तो सपोर्ट से हम बाई करते हैं, सपोर्ट नीचे होता है, रेजिस्टेंस से हम सेल करते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर होता है. सो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या दिख रहा है जहाँ से हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करें. तो हमने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है और हमने इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर दिया है. ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पर हमें देखिए लाइन दिख रही है, ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है. ये आपकी सिलेक्ट हो गई. उसके बाद आपको इस वाले जो कैंडल यहाँ पे दिख रही है, ये कैंडल का जो 2 है ना, ये कैंडल, इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है. ठीक है, उसके बाद आपको फॉलो करना है चार्ट को. और जो कैंडल आपको दिख रही है ये वाली, इस पर आपको यहाँ पे ला के क्लिक कर देना है. सो ये आपने ट्रेंड लाइन खींच दी. ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा चार्ट को स्क्रॉल करना है और ऊपर की तरफ ले जाना है. फिर आपको नीचे देखना है कि कहाँ से हम फॉलो कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को. उसके बाद फिर हमें नीचे जो 2 हमारा दिख रहा है रेड कैंडल का, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फॉलो करते हुए लाना है. अब हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो इट मीन हम रीटेस्ट के बाद बाई कर सकते हैं. नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो इट मीन हम ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट होगा वहाँ से सेल कर सकते हैं. सो ये मैंने ड्रॉ कर दी है ट्रेंड लाइन. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ सप्लाई और व्हाट इज़ डिमांड. तो ट्रेंड लाइन में जब आप ट्राई करोगे खुद से तो आपको सब समझ में आ जाएगा. जब आप ट्राई करोगे, फर्स्ट यू ट्राई देन यू रियलाइज, आपको चीज़ें समझने में आने लगेंगी. तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी वो मैंने आपको बता दिया है. आपने जाना है ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन में चार्ट को देखना है और उसी के हिसाब से ड्रॉ कर देनी है ट्रेंड लाइन. अब चलते हैं हम सप्लाई और डिमांड पे. सो बेसिकली सप्लाई और डिमांड आप वर्ड से ही समझ पा रहे होगे. सप्लाई मतलब सप्लाई दी जा रही है, डिमांड मतलब वहाँ पर आएगा, डिमांड होगी, वहाँ से हम फिर सप्लाई की तरफ जाएंगे. अगर डिमांड, जब डिमांड में जैसे ये डिमांड हो गई, ये सप्लाई हो गई, सप्लाई से आपकी जो आपका ट्रेड है सप्लाई पे आता है और फिर वो डिमांड की तरफ टेक ऑफ लेता है. तो डिमांड का हमें वेट करना है, वो हमारा टारगेट है. हम डिमांड में हैं और डिमांड पे हम सेल के लिए बैठेंगे, वहाँ से हम सेल करेंगे, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग. तो हम सेल करेंगे, सेल से हम कहाँ जाएंगे? सप्लाई की तरफ. तो डिमांड और सप्लाई हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं चार्ट में. सो अभी हमने ड्रॉ की थी ट्रेंड लाइन, अब हमें ट्रेंड लाइन का यूज़ नहीं है. सो हम यहाँ पर आएंगे डिलीट के लिए. तो डिलीट हमने कर दिया ऑटोमेटिकली, जो भी हमने ड्रॉ कर रखा था चार्ट पे, वो सब डिलीट हो चुका है. हमने चार्ट को फिर थोड़ा सा स्क्रॉल किया, पास में आए और हमने देखा कि डिमांड कहाँ बन रहा है, सप्लाई कहाँ बन रहा है. सप्लाई नीचे होगा तो हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना है, आप देख लीजिए जो यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है. और यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल एक ऑप्शन होगा, रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो चुका है. उसके बाद हमने निकालना है डिमांड, डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन. सप्लाई जोन हमारा देखिए आपको दिख रहा है, ये रहा हमारा सप्लाई जोन. सो हमें सप्लाई जोन को ऐसे ड्रॉ करना है. ठीक है, उसके बाद ये हो गया सप्लाई जोन. अब आएगा डिमांड जोन.
तो डिमांड जोन, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे, डिमांड जोन पे जाएंगे, ये देखिए ये है क्या, ये डिमांड जोन है, क्योंकि क्रूड जो है इस चार्ट पे आया और यहीं से इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। तो ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है डिमांड, ये है सप्लाई। जब तक इनका प्रॉपर ब्रेकआउट इनकी हाई कैंडल के अबव नहीं होगा, तब तक हम हमेशा डिमांड से सेल, सप्लाई से बाई करेंगे। सो ये था डिमांड और सप्लाई, और कुछ नहीं है। अगर आपको और चीज़ें भी समझनी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर कुछ नई नई वीडियोस बनाऊंगा। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमेशा मेरे लिए सक्सेसफुल होती है, कभी कभी मेरा स्टॉप लॉस जाता है, कभी कभी क्या मंथ में 5 से 6 बार मेरा स्टॉप लॉस जाता है, बाकी के रेस्ट दिन हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाते होते तो आज आपको लग रहा है कि जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ अपने लाइफ स्टाइल में वो कैसे हो पाती। सो इट मीन ये हमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा दे ही रही है। तो सप्लाई डिमांड बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जान जाओ, चार्ट को ड्रॉ कर लो अपने हिसाब से, और कुछ भी समझने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। कैंडल्स का रिएक्शन समझो, न्यूज़ जो होती हैं मार्केट के रिगार्डिंग उन पर ध्यान दो, और जो बेसिक, बहुत बेसिक जो हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए वो ये कि जब हम ट्रेड कोई लें तो ट्रेड लेने से पहले जितना सोचना है सोच लें, ट्रेड लेने के बाद सिर्फ हम चार्ट देखेंगे, MTM नहीं देखेंगे, चार्ट देखेंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। सो सप्लाई डिमांड की आज जो स्टडी थी वो डन हो चुकी है, इसमें और कुछ नहीं समझना है, आप चार्ट पे ड्रॉ करो। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, ताकि आप वहाँ आकर के उसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जो कुछ मुझे आता है वो मैं शेयर करूँगा, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक पे। बाय बाय।